उत्तर प्रदेश में अब दंगाइयों की खैर नहीं। देश के सबसे बड़े सूबे में आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाने वाले अब बच नहीं पाएंगे। प्रदर्शन के बहाने सरकारी और निजी संपत्ति को फूंकने वालों से पाई पाई वसूलने की तैयारी पूरी हो गई है। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के विरोध के नाम पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले साल 19 और 20 दिसंबर को जमकर हिंसा फैलाई गई थी। इस दौरान करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति फूंक दी गई थी। योगी सरकार ने आरोपियों से हर्जाने की वसूली के लिए नोटिस तक जारी किया था। यहां तक कि आरोपियों के पोस्टर भी चौक चौराहों पर चस्पा कर दिए गए थे। ये मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो अब उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अपनी कार्रवाई को कानूनी जामा पहनाने के लिए एक खास अध्यादेश पास किया है, जिसे रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस का नाम दिया गया है। अध्यादेश में आंदोलन के दौरान हिंसा और संपत्ति का नुकसान होने पर जुर्माना वसूलने और कठोर कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में दंगा करने वालों के खिलाफ अब यूपी सरकार कानून के तहत सख्त कार्रवाई करेगी। इसके लिए यूपी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश को पास कराया है, जिसमें तमाम जो दंगाई होंगे उनसे हर्जाने का वसूला तो किया ही जाएगा, इसके साथ साथ उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जो अध्यादेश योगी सरकार ने पास किया है उसकी नियमावली अभी बना ही जा रही है। हालांकि अध्यादेश का मुख्य मकसद आंदोलन के नाम पर हिंसा करने वालों पर शिकंजा कसने का है। इस अध्यादेश के जरिए सार्वजनिक के साथ साथ निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई की बात है। इसके तहत प्रदर्शन के दौरान संपत्ति का नुकसान पहुंचाने वालों से हर्जाने की वसूली करने का प्रावधान है। सार्वजनिक संपत्ति की सुंदरता बिगाड़ने पर भी कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि सार्वजनिक संपत्ति पर स्याही, पेंट, चौक या किसी दूसरी सामग्री से लिखना भी गैर कानूनी होगा। सार्वजनिक वाहनों और सड़कों को नुकसान पहुंचाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। हर्जाने के अलावा संपत्ति नुकसान के कुछ मामलों में सजा का भी प्रावधान किया गया है। किसी भी आंदोलन में, प्रदर्शन में, धरने में अगर किसी भी सरकारी संपत्ति को या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था इसमें की जा रही है। योगी सरकार को आनन फानन में ये अध्यादेश इस पोस्टर की वजह से लाना पड़ा। दिसंबर में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी जबरदस्त हिंसा हुई थी। लखनऊ में हुई इस हिंसा के लिए पुलिस प्रशासन ने 57 लोगों को जिम्मेदार ठहराया था और इन सब के पोस्टर चौक चौराहों पर लगा दिए गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस प्रकरण का स्वतः संज्ञान लेते हुए 16 मार्च तक सरकार से पोस्टर हटवाने को कहा था। हालांकि योगी सरकार ने पोस्टर नहीं हटवाए और इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे तो नहीं लगाया, लेकिन केस को 3 जजों की बड़ी बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया। अगली सुनवाई की तारीख यही बड़ी बेंच करेगी और शनिवार रविवार की छुट्टी के बाद 16 मार्च तक सुनवाई मुमकिन नजर नहीं आ रही। इसलिए अध्यादेश लाकर योगी सरकार ने पोस्टर प्रकरण का बचाव करने की तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।